बैक अगेन। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज संडे है, ऑफिस का ऑफ है आज, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा कुछ अपने नॉन वेज लवर्स के लिए। प्याज हमने ले लिए हैं 6 से 7 मीडियम साइज़, उसी के साथ हमने टेंडर सॉफ्ट मटन ले लिया, इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में हमने कट कर लिया। तो सबसे पहले प्याज चॉप करेंगे हम बिल्कुल फाइन, उसके बाद मटन उसके साथ ऐड करेंगे जैसे ही हमारे प्याज रोस्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेकिंग। 1 सर्विंग स्पून हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, तो ये देखें मस्टर्ड ऑयल हो गया गर्म। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो फाइन चॉप करके हमने प्याज रखे हैं। आप ये देखें फाइन चॉप करके हमने प्याज रख लिए हैं। सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर। तो जैसे ही हमारे प्याज 60 से 70% कुक हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें सबसे पहले मटन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मटन हमने ऐड कर दिया है प्याज के साथ। तो इसको हम तब तक बीच में इंटरमीडिएट बेसिस पे स्टर करते रहेंगे ताकि मटन एक तो नीचे लगे ना बेस के साथ इस पतीले की, और उसके साथ साथ क्या है कि मटन हमारा जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो जैसे ही हमारा मटन जो है वो तेल छोड़ देगा तो उसके बाद हम इसके अंदर एक एक करके मसाले ऐड करते जाएंगे। मसाले आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ अभी कि कौन कौन से मसाले इसमें पड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमने इसमें मसाला ऐड करना है, तो 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक हमने इसमें ऐड कर दिया। तो तेल भी आप देख सकते हैं तेल थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो अब दूसरे नंबर पे जो हमारा मसाला इसके अंदर हम ऐड करेंगे, पहले हल्दी को पकने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे या साबुत जीरा भी आप ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून आपका मीट मसाला आ जाएगा इसके अंदर सबसे पहले। अंदर ऐड कर दिया रेड चिली पाउडर, तो आप उसको पेस्ट बना करके भी ऐड कर सकते हैं पानी में थोड़ा सा डिजॉल्व करके। तो थोड़ी देर इसको भी पकने देंगे। 2000 years later फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लास्ट में कीमा बन के तैयार हो गया। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखें ग्रेवी कितनी थिक बनी है इसकी। तो बड़ी इजी सी रेसिपी है इसको बनाने की, आप ट्राई करें जो नॉन वेज लवर्स हैं इसको बना के। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो कल एक नया वीडियो लेके आपके साथ दोबारा से मिलते हैं। तो स्टे सेफ टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। 8000 का बेंचमार्क हमने क्रॉस कर लिया है, तो होपफुली आपकी अगर ऐसी सपोर्ट रही तो 10K या 20K हम जल्दी कर लेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग एज वेल।